आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अक्सर लोग पैसों को पर्स और वॉलेट में रखते हैं, लेकिन इनमें पैसों को रखना भी नुकसानदायक होता है और इसकी वजह होते हैं अक्सर हम खुद। हम अपने पर्स को धन रखने की जगह समझने की बजाय कूड़ेदान बना देते हैं। जो भी ज़रूरी गैर कागजात होते हैं पर्स में भर लेते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसी चीज़ें भी पर्स में भर लेते हैं जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लोगों की ऐसी आदतों को आर्थिक नुकसान और बरकत में कमी का कारण माना गया है। बरकत और धन वृद्धि के लिए पर्स में क्या रखें क्या नहीं, आज हम वीडियो में यही जानेंगे। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें। चलिए शुरू करते हैं ये अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक आर्थिक तंगी से बचना हो तो पर्स में कभी भी चाबी नहीं रखनी चाहिए। फिर चाहे वह घर के ताले की या फिर ऑफिस संबंधी किसी ताले की चाबी हो, क्योंकि जब भी पर्स में चाबी रखी जाती है इससे व्यक्ति को लगातार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग बिल की रसीद लेकर वॉलेट में रख लेते हैं। बिल और पेमेंट की रसीद को पर्स में रखने से बचना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और गैर जरूरी खर्चे बढ़ते हैं। पर्स में कागज के नोटों के साथ बिल की कॉपी रखने से बचें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक पर्स को कभी भी सिरहने नहीं रखना चाहिए। साथ ही कभी सोते वक्त बेड पर भी पर्स ना रखें। इससे आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है। वास्तु विज्ञान कहता है कि अगर पर्स कभी फट जाए तो भी उसे तुरंत ही बदल देना चाहिए। फटे हुए पर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है, अगर आपने कभी भी किसी से उधार लिया है और आप उसे वह रकम लौटाने जा रहे हैं तो ख्याल रखें कि उधार की वह राशि पर्स में ना रखें। या फिर किसी को उधार की राशि पर ब्याज का पैसा देना हो तो वह भी पर्स में ना रखें। मान्यता है कि ऐसे धन को पर्स में रखने से ऋण और बढ़ता है, साथ ही आर्थिक नुकसान की आशंका रहती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आपको शौच जाना हो और आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर पर्स बाहर रखने की जगह ना हो तो ऐसे स्थिति में पर्स को हमेशा आगे वाली जेब में रखें। इसके अलावा पर्स में सिक्के और नोट एक साथ ना रखें, हमेशा अलग अलग जगहों पर रखें। सिक्कों के लिए ध्यान रखें कि पर्स में ऐसी जगह रखें जहां पर आप उन्हें बंद कर सकें। वास्तु विज्ञान में जिस तरह से पर्स में क्या नहीं रखने के बारे में बताया गया है, वैसे ही कुछ ऐसी चीज़ें की भी जानकारी दी गई है जिन्हें रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाए रखने के लिए पर्स में कांच या चांदी की गोली रखना शुभ माना गया है। मान्यता है कि दिन में माँ लक्ष्मी पीपल के पत्तों में वास करती है, इसलिए पीपल का पत्ता जेब में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ध्यान रखें कि जब भी पर्स में पत्ता रखें तो सबसे पहले उसे गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद कुमकुम से उस पर श्री लिखकर पत्ता पर्स में रखें। पत्ता जब सूख जाए तो उसे बदल लेना चाहिए। पीपल के पत्ते की जगह चाहें तो तुलसी का पत्ता भी प्रयोग में ला सकते हैं। यूं तो पूजा में अक्षत यानी कि चावल के साबुत दानों का हमेशा से प्रयोग होता रहा है। शिव जी की पूजा में अक्षत के प्रयोग से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इसी प्रकार अक्षत के कुछ दाने हल्दी में रंगकर पर्स में रखने से बरकत आती है और गैर जरूरी खर्चे कम होते हैं। बड़े बुजुर्गों से मिलने वाले आशीर्वाद रूपी धन को पर्स में काफ़ी संभाल कर रखना चाहिए। अगर संयोगवश हल्दी लगा रुपया आपके पास आ जाए तो उसे संभाल कर पर्स में रखें, इसे खर्च नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। वास्तु विज्ञान के मुताबिक पर्स में गोमती चक्र रखना शुभ फलदायी होता है। ब्लेड, लोहे का सामान एवं देवी देवताओं की तस्वीरें पर्स में नहीं रखनी चाहिए। इन्हें पर्स में रखने से नुकसान होता है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।